हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मज़े में हो गए और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव छात्र के लिए अपने 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके क्रश, जिनके बारे में आप इस वक्त सोच रहे हो और अभी तक आपका रिश्ता स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन दिल करता है उनके साथ रिश्ता स्टार्ट करने का। ऐसा कोई पर्सन जिनको आप दूर से देख देख के खुश होते हो, जो कि अब भी जाके आई लव यू बोल दो ऐसा लगता है, ये उनकी फीलिंग से आपके लिए, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, दीता पे ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव के एनर्जीज होते, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप उस सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके क्रश के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो आपके क्रश की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए क्या है? सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स। आपके क्रश ट्रामली जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के हो सकते हैं। नंबर 3 आपके आपके क्रश के बर्थ डेट में हो सकता है। 3 ऑफ वैंड्स, 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। एरीज लियो सैजिटेरियस भी यहाँ पे, ठीक है, आपके आपके क्रश के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पे पेज ऑफ वैंड्स का भी कार्ड है, 7 ऑफ सोर्स, डेथ। ओ तो यस, आपके डेथ क्यों है यहाँ पे? गार्ड करियरियंस ट्रू मैसेज दे, यहाँ पर डेथ क्यों है? यहाँ पे डेथ क्यों है? टावर, टावर क्यों है यहाँ पे? ओके, 7 ऑफ सोर्स क्यों है? 7 ऑफ सोर्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ सोर्स क्यों है? बॉटम है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स। तो यस, आपके जो भी क्रश है या आपको स्टॉक तो बहुत करते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बस आप ही इनको देख रहे हो जो कि आपको देखते नहीं है, तो यस ये आपको देखते हैं, आपको स्टॉक भी बहुत करते हैं चोरी छुप के। मतलब कि अगर आप दोनों ने कभी एक दूसरे से बात की ही नहीं है ना, तो इन्होंने किसी से तो डेफिनेटली आपका नाम पूछा होगा और जिसके ज़रिए आपको इंस्टा, मतलब जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको स्टॉक करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डेफिनेटली देखते हैं क्योंकि आप स्टॉकिंग एनर्जीज है। चोरी छुप के ये चोरी छुपे आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, जो कि जो भी देख रहे हैं ना वो बातें इनको, जो भी देख रहे हैं, जो भी नोटिस कर रहे हैं आपके सोशल मीडिया को देख के, ये बातें इनका प्रेशर बढ़ा रही है, इनका बर्डन बढ़ा रही है, इनकी सोच पे जैसे कि बहुत ज़्यादा मतलब कि नेगेटिव थॉट्स बढ़ा रही है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है। हो सकता है कि अगर आप लड़की हो तो आपके दोस्त ज़्यादा हो सकते हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, उनके साथ पिक अपलोड करते हो, तो ये ना इस तरह से सोचते हैं कि आपका किसी के साथ उनमें से, मतलब ना ऐसे सोचते क्या इसके साथ इसका अफेयर हो सकता है, क्या इसके साथ हो सकता है, शायद इसी के साथ हो सकता है, तो ना ये अपने दिमाग लड़ाते लड़ाते हैं, जो कि इनका हार्ट ब्रेक होता है, इनका दिल दुख जाता है थर्ड पार्टी के बारे में सोच के कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जो कि रोमांटिक है, जिससे आप प्यार करते हो, जिसके साथ आपका पहले रिश्ता था और जो कि किसी ने इनको बताया होगा। फिर जो कि अगर आप दोनों को कोई जानता है, आपके क्रश को और आपको, तो किसी ने इनको ऐसा बताया होगा कि तेरा किसी, मतलब कि आपका किसी और के साथ पहले अफेयर था। तो जो भी है इनका डाउट हो सकता है, या तो जो कि आपका सच में किसी और के साथ पहले अफेयर हो सकता है, ये बात शायद आपके क्रश जानते हैं, इसी वजह से इनका दिल दुखता है, इनका दिल बहुत करता है, अभी इनका दिल कर रहा है आपसे बात करने का, लेकिन थर्ड पार्टीज़ की वजह से आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे। इनको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है और जो कि शायद आपका किसी और के साथ अफेयर है, फिर आप इनको क्यों देख रहे हो इस तरह से, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉप कर रहे। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे, डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे। विल ऑफ फॉर्चून का कार्ड है यहाँ पे, मतलब कि अगर इनको डाउट है जिस भी पर्सन के ऊपर कि आपका इनके साथ कुछ हो सकता है, तो ये ना ऐसे एनर्जीज का इंतज़ार कर रहे कि जब इनको ये फील हो कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप अकेले हो और जो कि सच में आप इनसे दिल से रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हो, तब तक कि आपको डिस्टेंस देने वाले। टावर का कार्ड है यहाँ पे, जो कि नो कॉन्टैक्ट को शो करता है, या आपके साथ तब तक बात नहीं करेंगे जब तक इनको इन स्टॉकिंग एनर्जीज से, चुपचाप रहेंगे, बात नहीं करेंगे, हाइड करके रखेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, और इन्हीं एनर्जीज में जब इनको ये पता चलेगा कि आप अकेले हो, आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन नहीं है जिनसे आप कांटेक्ट में हो, तब जाके आपको ऑफर करेंगे टावर। तब तक आपको टावर को फेस करना है, तब तक आपको सिर्फ वेट करना है, ये खुद होकर जल्दी बात नहीं करने वाले आपके। विल ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंजेस को शो करता है, जो कि इस रिश्ते में पॉजिटिव चेंजेस इनको क्लैरिफाई किया था, टावर को क्लैरिफाई किया था, राइट। इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, पॉजिटिव चेंजेस भी आएंगे, इनके साथ रियूनियन भी होगा, ये खुद होकर बात भी करेंगे, ऑफर भी करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब इनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेगी।
आप सिर्फ दूर से देखते हो जो कि इनको लगता है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप ऐसा शो ऑफ करते हो कि आप इनके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ एंजॉय करते हो, तो ये एंजॉयमेंट मतलब ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं कि इनकी थिंकिंग ऐसी है कि मतलब अकेला, अगर मतलब अगर आप लड़की हो तो आपका कोई बॉयफ्रेंड इनको बर्दाश्त नहीं है, दोस्त आपका लड़का दोस्त इनको बर्दाश्त नहीं है, और अगर आप लड़का हो और ये लड़की है तो इनको आप किसी और लड़कियों के साथ बात करें, आपके दो तीन लड़कियां दोस्त हो ये इनको बर्दाश्त नहीं है। तो अगर तू है तो तू अकेला होना चाहिए, और जो कि तू सिर्फ मेरा होना चाहिए, अगर इनको ये एनर्जीज आपसे फील होगी ना तभी आपसे बात करेंगे। तो थोड़े से होता है ना पजेसिव टाइप पर्सनैलिटी आपके क्रश, मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आपको पसंद दिल से करते हैं लेकिन जब तक अपने दिल को तसल्ली नहीं देने वाले तब तक कि आपसे बात नहीं करने वाले, ठीक है। तो तब तक टॉवर मतलब कि इंतज़ार करो, विल ऑफ फॉर्चून पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, मतलब आएंगे, ठीक है। तो इस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या है इनके लिए, ट्रू मैसेज दे, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या है इनके क्रश के लिए, इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इनके क्रश के लिए। आप तो इनके बिना बहुत ज़्यादा सैड हो, बहुत दिल करता है इनसे बात करने का, मतलब लगता है कि खुद हो के बात करे यार, कब करेगा पता नहीं। आप नेगेटिविटी बहुत फील कर रहे हैं इनके बिना, दिल बहुत करता है अभी के अभी जाओ, अभी के अभी सारी दिल की बातें बता दो, लेकिन आप भी नहीं जा रहे हो, ठीक है। मतलब कि जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, हो सकता है कि आपने पहले ट्राई किया था जो कि उन्होंने आपको मना किया होगा, या तो आपको अनदेखा किया होगा इस तरह से, ठीक है। आपका मूव ऑन करने का दिल कर रहा है, पता नहीं ये रिश्ता कभी स्टार्ट होगा भी कि नहीं। अभी टावर का कार्ड भी आ चुका है, मतलब और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। एक तो पहले से इतने टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, उससे बेटर है कि चले ही जाए यहाँ से। इस तरह की एनर्जीज आपकी, ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, वेट। ट्रू मैसेज दी यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहो, नेगेटिव मत सोचो। अगर पॉजिटिव रहते हो तो आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपके इसी क्रश के साथ, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।